हाँ जी दोस्तों, मैं विकास गुप्ता अग्रवाल टायर नाभा तो एक बार दोबारा अज एक वीडियो लेके आया नवी। इस दे विच मैं तुहानू दिखावांगा कि व्हील बैलेंसिंग क्या होंदी है। अज मेरे को एक मेरा कस्टमर आया, उस वीर ने मेरे को एक बहुत वधिया गल पुछी जिदे तो मैनू मोटीवेशन मिली कि मैं वीडियो सांझी करां तुहाडे सब नाल। उन्होंने मैंने पूछा कि वीरे असी हर 4-5 हज़ार किलोमीटर बाद व्हील बैलेंस क्यों कराइए, सानू ये फिजूल खर्ची लगती है, तो खर्चे का की फायदा है कि बैलेंस नाल की चीज़ होंदी है की नहीं होंदा। जे आप बैलेंस नू टाइम सिर कराने टायरां नू तां उहदा की फायदा है, जे आप व्हील बैलेंस नू नहीं कराते टाइम सिर तां उहदा की नुकसान है। दोस्तों आ जाओ हुण मैं तुहानू विखाना व्हील बैलेंस किस चीज़ नाल कीता जांदा है, तुहानू मशीन का सारा प्रोसैस भी दिखाना अते तुहानू इह भी दिखाना कि जे आप बैलेंस टाइम सिर नहीं कराते तां टायर ते की दिक्कत आउंदियां हन। दोस्तों आ टायर है, तुसी इस टायर ते देखो कि तुहानू गुड्डी वधिया नज़र आ रही है। देखो मैं कैमरे च कोशिश कर रहा कि तुहानू वध तो वध चंगी तरह विखा सकां। हुण थोड़ा मैं साइड दिखाना इसकी, आ देखो तुसी इस जगह ते ए वाली जो ग्रिप है टायर दी ए उच्ची है, इस दे नाल वाली नीची है, नीवी है। जब आप व्हील बैलेंस नहीं करावांगे तो टायर ते उपर इस तरह नाल टोए पै जांदे ने जो कि वाइब्रेशन पैदा करते हैं। कुछ दुकानदार कहते हैं कि सिर्फ 2 टायर बैलेंस करा लो जी थोड़ा काम ओके हो जू, पर नहीं, 60% असर फ्रंट टायर पर होंगे, 40% असर रियर टायर पर होंगे जो पिछले वाले टायर होंगे ने। फ्रंट टायर का लिंक स्टेयरिंग व्हील के नाल होने करके आपको ज़्यादा पता लगता है, पिछले टायर का लिंक स्टेयरिंग व्हील नाल होने करके जब पिछे कोई बंदा बैठता है तो उसनू इस दे विच वबलिंग महसूस होंगी है। इस चीज़ को ठीक करने लिए क्या चीज़ है कि तुहानू व्हील बैलेंस करवाते रहना चाहिए टाइम सिर। थोनू अज व्हील बैलेंस भी दिखाने किदा किया जाता, थोड़ा सारा प्रोसीजर मैं इसमें चंगी तरह एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। दोस्तों ये हैगी व्हील बैलेंसिंग मशीन, इस दे आपां जब टायर नू फिट करते हैं थोड़ा मैं सारी दिखाना कितने फिटिंग होंदी है, किदा टायर नू फिट किया जाता है, तो उस तो बाद व्हील बैलेंस होगा। देखो दोस्तों असी टायर ते हन, जब भी कदे व्हील बैलेंस होंदा है उसनू प्रॉपर फिट करन तो बाद रिम दे विच फिट करन तो बाद रिम दा वेट, टायर दा वेट, अदे ट्यूब है तो ट्यूब दा वेट हवा पाउण तो बाद किया जाता है। जेकर वो ट्यूबलैस है तो ट्यूबलैस के भी वो हवा पाने बाद जो रिकमेंडेड हवा है 35 पाउंड 30 पाउंड जो भी थोड़ी कंपनी की गड्डी है उसकी जो रिकमेंडेड हवा है उस हवा को पूरा करने तो बाद ही वो बैलेंस किया जाएगा। ये लोहे वाला रिम है जो गड्डी के नाल लग के आंदा है। हुण अजकल कुछ गड्डियों के अलॉय व्हील भी आते हैं कंपनी वालों या आफ्टर मार्केट भी पैंदे ने। व्हील बैलेंस आपां नूं दोवें व्हील कराने पैंदे ने, चाहे वह अलॉय व्हील है चाहे वह स्टील रिम है। फोरमैन जी इहनूं फिट करके दिखाओ, ये देखो ये इस तरह मशीन के उपर टायर फिट हो जाता है, इसनों लॉक किया जाता है। फिट करने तो बाद जो इसका साइज है वह साइज़ में आपां नूं कंप्यूटर दे विच फीड करना पैंदा है। फीड करने तो बाद उसनों स्टार्ट किया जाता है और टायर नूं भजाया जाता है स्पीड के उपर। जिहड़ी वाइब्रेशन तुहानूं गड्डी दे विच फील होंदी है वो जब गड्डी चलती है एक पर्टिकुलर स्पीड के उपर, ज़्यादातर केसा 60 की स्पीड के उपर जाके या 80 की स्पीड के उपर जाके थोड़ी गड्डी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती है। हुण देखो स्क्रीन के उपर ये दिखा रहा है कि ये टायर वेट मांग रहा है। हुण जेकर यह स्टील रिम हुंदा तां इहदे अंदर भी वेट लगता, इस किनारे के उपर बाहर प्लस अंदरली किनारे के उपर इस जगह के उपर वेट लगता। हुण जिस तरह अलॉय है, अलॉय व्हील के उपर कदे भी नॉर्मल वेट नहीं लगता, इस दे लई स्पैशल वेट यूज़ किया जाता है जो कि स्टिकर टाइप होंदा है। दिखाओ फोरमैन जी स्टिकर तार के दिखाओ थोड़ा जा। ये देखो इदा का स्टिकर वेट होंदा है, ये वेट इस दे अंदर लगेगा। हुण तुहानू दिखाने आ अलॉय व्हील असी फीड किया कि एक साइड ही यह वेट दिखावे, तो वह वेट दिखा रही है कि 20 ग्राम का वेट आपां नूं लाना पऊगा। अलॉय व्हील के उपर हमेशा तो असी नवा वेट ही लवाओ, कदे भी पुराना वेट ना लगाओ। इस दे उपर डिनोमिनेशन लिखी हुई है, जिस तरह छोटा वेट है ये उपर 5 ग्राम आ 10 ग्राम का जी, जे आप 3 टिक्कियां लगा देंगे इदा 2 छोटियां 1 वड्डी ये 20 ग्राम हो जाएगा। हुण ये 20 ग्राम वेट लगा रहे हैं असी, ये पर्टिकुलर जगह दिखाएगा उस जगह के उपर ही वेट लगेगा। विनोद घुमायो, हाँ देखो हुण आ जगह आ गई, इस जगह के उपर उपरली साइड वेट लगा रहे हैं असी। जब इसनों वेट लगा के असं दोबारा घुमावे तो यह देखियो ओके आ जाएगा वेट सारा, यदा भाव व्हील बैलेंस हो गया। तो मान लो थोड़े टायर के उपर खड्डे पै भी गए हैं, तो जब तुम व्हील बैलेंस करा लोगे तो टाइम सिर हो दोबारा जब हौली हौली गड्डी चलूगी कुछ 1000 किलोमीटर चल जूगी तो टोए सैट हो जाएंगे सारे। दोस्तों हुण देखो असी इस ते स्टील रिम फिट कर लिया, हुण असी इसनों स्टार्ट करा तो ये थोड़ा दिखाने कि यदा व्हील बैलेंस किदा होंदा है।
ये देखो ये भी सेम प्रोसीजर है, इसनों भी दोबारा स्पीड ते भजाया जाता टायर नू। तो ये वेखो इस दे विच तुसी देखो हुण ये वेट मंग रहे टायर, इस दे दोनों साइड वेट लगेगा, इस दे अंदर वाली साइड इस जगह ते तां लगेगा 15 ग्राम का वेट, बाहर वाली साइड इस ते लगेगा 40 ग्राम वेट। इसका वेट भी डिफरेंट होंदा, इसका वेट क्लिप टाइप वेट होंदा, इस तरह का एक क्लिप की तरह और फिट हो जाता है, इस तरह क्लिप लग जाता है यदा, इस तरह बिना फिट कर माड़ा हके लगा के दिखाओ लवे किस तरह फिट किया जाता है। इस तरह इसको टायर के उपर चढ़ा के फिट किया जाता है, इस क्लिप क्लिप टंगिया जाता है, उस तो बाद इसको छोटी जी हैमर के नाल फिट किया जाता है। मैं थोड़ा दोबारा इसको बैलेंस करके दिखाना कि जिस तरह यह डिमांड कर रहे 40 ग्राम वेट की, इसको उतार के 40 ग्राम वेट कटो जी। आ देखो हूँ इस वेट फिट किया जा रहा है, ये देखो हूँ ये वेट ना तो हिलेगा ना ही गिरेगा, इदा ही अंदर फिट किया जाएगा। दोबारा इसको उसी तरह पोजिशन से लेके आया जाता, लेके आया जाता है, तो हूँ इसको वेट में फिट किया जाएगा अंदर। उस तो बाद दोबारा इसको भजाया जाएगा स्पीड के उपर, टायर भी बिल्कुल ओके आ गया है। इसलिए मैं थोनों सबनों जागरूक करना चाहता हाँ, व्हील बैलेंस कोई फिजूल खर्ची नहीं है, इसलिए अपने टायरों की सही उम्र लैन लिए उन्होंने व्हील बैलेंस कराओ टाइम सिर। धन्यवाद।